थैंक यू। आप इतना समझती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं समझती कि हम लोग अच्छे लोग हैं, हमारा परिवार किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। वैसे बुरी तो आप भी नहीं हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही दूसरों को पानी पिलाते हैं। आप भी एक माँ होंगी ना, तो आप एक माँ का दर्द क्यों नहीं समझ सकती? क्यों आप मुझे दूर कर रही हैं मेरे बच्चों से? क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने आपका, जो आप उसे चोट पहुंचा रही थी? आप एक माँ होकर माँ की तड़प क्यों नहीं समझ सकती? चलो बालवीर, अभी हमारे जाने का फायदा नहीं है। अगर हमें उस हत्ती को अपने वश में करना है, तो हमें उसका बच्चा अपने साथ लेकर जाना होगा। विवान, हमें माँ के बारे में पता चल चुका है, क्या तुम्हें वो हत्ती का बच्चा मिल गया? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। विवान, एक काम कर, तुमने उस हत्ती के बच्चे को देखा है ना, तो तुम उस बच्चे की स्मृतियाँ अभी के अभी अनन्या के दिमाग में भेजो। हाँ भैया, अभी ट्रांसफर करता हूँ। तुमने बेबी एलिफेंट की मेमोरी मेरे माइंड में क्यों ट्रांसफर करवाई है? ताकि तुम उन स्मृतियों को देखकर हूबहू उस हाथी को बच्चे को बना सको। हाँ, पर मैं लिविंग थिंग्स नहीं बना सकती। हमें जरूरत भी नहीं है, उस हाथी के बच्चे के जैसा दिखने वाला हमें पुतला ही चाहिए, जो दूर से दिखने में जीवित लगे। ओके। तो चलो, माँ को वापस लेकर आते हैं। ये तो सांप सीढ़ी का गेम बना हुआ है, और वो भी लाइव। इसका मतलब हाथी के बच्चे को बचाने के लिए हमें ये गेम खेलना पड़ेगा? शायद, पर उससे पहले मैं एक बार सीधा बेबी एलिफेंट तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। क्या यार विवान, अभी कहा कि स्मार्टनेस में 100 हो और अभी 0 बन गए। मैं तो फिर से 0 से हीरो बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं 0 भी नहीं रहने दूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट, पर अगर अभी तुम्हें उस बेबी एलिफेंट तक पहुंचना है, तो तुम्हें ये गेम खेलना ही होगा और नंबर 100 तक पहुंचना होगा। और ध्यान रखना कि ये गेम दो लोगों को मिलकर ही खेलना होगा, एक डाइस फेंकेगा और दूसरा चाल चलेगा। क्यों, तुम नहीं खेलोगे क्या मेरे साथ? डरते हो क्या मुझसे? रे डरता नहीं, डराता है। जैसे हर बार डाइस रोल होने पर ये गेम तुम्हें डराएगा, तो खेलो ये गेम और बचा लो बेबी एलिफेंट को। एंजॉय द गेम। हाँ रे, कहीं इससे विवान आसानी से ना जीत जाए।
आसानी से तो सिर्फ अपने दुश्मनों को दर्द देता है, दर्द। और ये गेम कितना आसान है यह भी पता चल जाएगा। ये जानते हुए भी कि ये रे का गेम है, हमें इस गेम को खेलना ही होगा। पर एंड में विनर तो हम ही होंगे। वही परी, आप डाइस को रोल कीजिए और मैं इस गेम पे चलता हूँ। वो माँ हाथी और सामने बाकी जितने भी हाथी हैं और वो साइबेरियन हाथी है, उनमें और बाकी हाथियों में एक फर्क है। हम यहाँ पे फर्क ढूंढने आए हैं? नहीं अनन्या, लेकिन ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। वो साइबेरियन हाथी अपने बच्चे से बिछड़ने के दुख में है, लेकिन बाकी सारे हाथी यहाँ दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं, मदद करने आए हैं। तो खेलने का सामान मंगाई। क्या हम यहाँ खेलने आए हैं? हम नहीं, बाकी सारी हाथी खेलेंगे। हाथियों को पानी में खेलना और फुटबॉल के साथ खेलना बहुत पसंद है, हम इसी का फायदा उठाएंगे। और जैसे माँ हाथी ने इन हाथियों की मदद से हमारा ध्यान भटकाया था, हम उनका ध्यान भटकाएंगे। समझ गई। पहले हम इनका खेलने की तरफ ध्यान लाएंगे, फिर जब ये खेलने के लिए दूर चले जाएंगे तब हम करना आंटी तक पहुंच जाएंगे। आशा है कि विवान भी उस हत्या के बच्चे तक पहुंच गया होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।